नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं हम लोगों का खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भूतपूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को याद किया था। संयोग से 28 जून जिस दिन ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हुआ था, नरसिम्हा राव की जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत का दिन था। उनका जन्म 1921 में हुआ था। मोदी जी ने नरसिम्हा राव की बहुत तारीफ की कि वे अनेक भाषाएं जानते थे, बचपन से ही नेशनलिज्म की भावनाओं से प्रेरित थे, अपने यूथ में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें उनके बारे में की। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे दूसरे दलों के नेताओं की तारीफ अमूमन नहीं करते हैं, खास तौर से अगर वो पहले कभी प्रधानमंत्री रहे हों। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, किसी के बारे में कोई खास बात कभी नहीं की। क्रिटिसाइज जरूर किया, खास तौर से नेहरू को और मनमोहन सिंह को, जिनका नाम लेकर तो एक तरह से 2014 के पहले पूरा कैंपेन रचा गया था। तब सवाल यह उठता है कि नरसिम्हा राव के बारे में इतना पॉजिटिवली क्यों बोले मोदी जी इस वक्त। बात दरअसल सिंपल है। ऐसा माना जाता है कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके रिश्ते सोनिया गांधी से अच्छे नहीं थे। राव के साथी मानते हैं कि सोनिया गांधी, हालांकि वे उस समय राजनीति में एक्टिव नहीं थी, फिर भी वो एक्सपेक्ट करती थी कि नरसिम्हा राव उनके पास आएंगे और उनको कंसल्ट करेंगे। सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के बाकी नेता ऑफ कोर्स इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि 1997 और 98 के पहले उनको राजनीति में कोई रुचि ही नहीं थी। पता नहीं क्या सही क्या गलत, परंतु नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल साइडलाइनिंग का प्रोसेस 1996 के लोकसभा चुनावी हार के बाद हुआ था, जब कांग्रेस की सत्ता दोबारा पावर में नहीं आई। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के बाद, जो पॉलिटिकल साइडलाइनिंग ऑफ नरसिम्हा राव की मैं बात कर रहा था, उस प्रोसेस में और तेजी और फाइनलिटी आ गई। 2004 दिसंबर में नरसिम्हा राव का देहांत हुआ था। उस समय कांग्रेस सेंटर में सत्ता में थी, यूपी की सरकार दूसरे पार्टीज के साथ कोअलिशन बना चुकी। नरसिम्हा राव के परिवार को यह सजेस्ट किया गया था कि उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाए, जैसे कि हुआ। तो जाहिर है कि नरसिम्हा राव और 10 जनपद के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे। उस सिचुएशन में अभी भी कोई खास फेरबदल नहीं हुआ है। एक पुरानी कहावत है कि द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो अगर कांग्रेस के नेता ये अपॉर्चुनिटी देते हैं नरसिम्हा राव के मेमोरी को अलाइव नहीं रखकर, उनकी तारीफ नहीं करकर, तो मोदी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है अपनी पॉलिटिक्स को प्ले करने की। ऐसे आज हिंदुस्तान में कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो नरसिम्हा राव को वैलराइज करते हैं, उनकी हीरो वर्शिप करते हैं। चीन के साथ जो सिचुएशन है, ये अगर नहीं होता तो आज हम हिंदुस्तान में सुन दे रहे होते कि नरसिम्हा राव वॉज द देन जियाओपिंग ऑफ इंडिया, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हीरो माना जाता है, आर्किटेक्ट माना जाता है। ये कहा जाता है कि नरसिम्हा राव अगर नहीं होते तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लाइसेंस कोटा राज में कैद होती। आर्थिक उदारीकरण या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से भारत के जनमानस या फिर वर्किंग क्लास की जिंदगी पर बहुत नेगेटिव असर हुआ है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले
क्या इसमें कोई डाउट है कि भारत के पोस्ट इमरजेंसी के इतिहास में जो दो सबसे बड़े काले धब्बे हैं वो डायरेक्टली नरसिम्हा राव के रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो 1984 में एंटी सिख रायट्स और फिर उसके बाद दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद की जो घटनाएं हैं उसकी बात कर रहा हूं। पहला ब्लैक चैप्टर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों के खिलाफ जो टारगेटेड वायलेंस हुआ था दिल्ली, कानपुर, बोकारो और कई शहरों में, यहां तक कि कोयम्बटूर में भी हुआ था। उस समय भारत का गृह मंत्री या होम मिनिस्टर कौन था? नरसिम्हा राव। तो क्या राजीव गांधी को अकेला ब्लेम करना ठीक होगा? वो तो जुम्मा जुम्मा दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने क्यों नहीं डायरेक्शंस दिए थे, मतलब नरसिम्हा राव ने क्यों नहीं डायरेक्शंस दिए थे दिल्ली पुलिस को और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए? आखिरकार चंद्रशेखर की जो सरकार थी वो मात्र केयरटेकर सरकार थी 91 में, लेकिन उन्होंने तो इंश्योर किया था कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद में देश भर में एक भी तमिलियन पर हमला ना हो। सिमिलरली 1992 में नरसिम्हा राव तो प्रधानमंत्री बन चुके थे तब तक, तो उन्होंने क्यों नहीं बाबरी मस्जिद को डिमोलिश होने से रोका या फिर उस प्रोसेस को क्यों नहीं बहुत पहले खत्म कर दिया? आफ्टर ऑल देयर वर एम्पल इंडिकेशंस दैट द थाउजेंड्स ऑफ कारसेवक्स हु हैड असेंबल्ड इन अयोध्या हैड नॉट असेंबल्ड देयर ओनली फॉर अ मियर रिचुअल पूजा। इफ पीपल लाइक मी, जो कि उस समय राम मंदिर आंदोलन को रेगुलरली कवर करते थे, अगर हम लोग फेयरली सर्टन थे कि बाबरी मस्जिद के ढांचे पर एक चोट होगा, एक अटैक हो सकता है प्योरली अपने सोर्सेस के बेसिस पे, तो देश के प्रधानमंत्री जिनके पास देश का पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क का बैकअप है, उनके इनपुट आते हैं, उनको क्यों नहीं पता चला कि प्लान क्या है बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने का? फिर भी नरसिम्हा राव ने अपने सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं कर बाकी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंगल वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि कई साधु संत बाबा लोगों की भी बात पर यकीन किया, उनका बात का भरोसा किया कि बाबरी मस्जिद पर कोई वो नहीं होगा, हमला नहीं होगा, बस एक सिंबॉलिक पूजा करके हम लोग लौट आएंगे। 1957 से 14 साल एमएलए रहने के बाद 30th September 1971 को पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए थे। उस समय तक इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी पर अपना पूरा डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया था, बस जरूरत थी कि स्टेट्स में से कुछ स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स को निकालने की और उनके जगह नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाए। तो उसी प्रोसेस में ब्रह्मानंद रेड्डी को हटाकर नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश भेजा गया। इसी से इंदिरा गांधी ने नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर्स का जो प्रैक्टिस है उसको शुरू किया और वही प्रथा अभी भी चल रही है इवन दो इट इज द बीजेपी इन पावर। दो साल के अंदर नरसिम्हा राव लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। मास बेस तो था ही नहीं और पार्टी में भी कोई खास उनके दोस्त नहीं थे, दुश्मन ज्यादा थे। इंदिरा गांधी को तो कान की कच्ची भी माना जाता था, तो उन्होंने अपने एक साथी को यहां तक कहा कि नरसिम्हा राव कभी उपलब्ध ही नहीं होते। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे वेंगल राव, जो कि नरसिम्हा राव के ओपोनेंट रहे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ना जीविता कथा यानी My Life Story उन्होंने ये 96 में लिखा था, जो कि पास्ट र्यूमर्स को कंफर्म करता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इंदिरा गांधी ने शिकायत की थी पीवी हैज डन नथिंग बट फ्लर्ट अराउंड विथ लक्ष्मी कांथम्मा। ये महिला आंध्र प्रदेश से कांग्रेस की नेता थी और लोकसभा की सदस्य थी कई सालों तक।
वेंगल राव की किताब, तो मैं जैसे मैंने बताया 96 में कांग्रेस की हार के बाद पब्लिश हुई थी। उस किताब से लेकिन नरसिम्हा राव को और डैमेज हुआ और उनके पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के प्रोसेस को ज्यादा स्पीड अप कर दिया था। 1984 के चुनावों के जीत जाने के बाद राजीव गांधी ने जब अपनी मिनिस्ट्री को दोबारा बनाई तब उन्होंने नरसिम्हा राव को होम मिनिस्ट्री नहीं दिया, उनको बाद में डिफेंस, एचआरडी और अल्टीमेटली जाके एक्सटर्नल अफेयर्स भी दिया। पिक्यूलियरली 1980 के बाद से नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश से कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा टिल 1991। 1984 और 1989 में जो चुनाव हुए थे, जो कि 8th और 9th लोकसभा के लिए थे, उनमें नरसिम्हा राव ने महाराष्ट्र से रामटेक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया था। जब 1991 का इलेक्शन अनाउंस हुआ और राजीव गांधी टिकट बांट रहे थे तो उन्होंने नरसिम्हा राव को सॉरी का स्लिप भेज दिया और उनको लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। उनके एक करीब के साथी, उन्होंने मुझको कहा था कि he was so humiliated that he decided to pack up from Delhi and go away back to his village even before the election was over। 21 मई 1991 को देर रात को वो अपने स्टडी में, दिल्ली के जो बंगलो था उसके स्टडी में वो अपने किताबें पैक कर रहे थे। उसी समय उनको राजीव गांधी की हत्या की खबर मिली। बस उसके बाद तो नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल करियर की सेकेंड इनिंग्स शुरू हो गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और इकोनॉमी में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू किए गए। वैसे तो हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को विदाउट ब्लेमिश एंड एवरीथिंग हंकी डोरी नहीं मानते, लेकिन पूरा क्रेडिट नरसिम्हा राव को देना भी गलत होगा। कई बहुत पॉलिटिकली नॉन पार्टिजन इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं दैट फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 1980s राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर हैड बिगन द स्लो एंड हेजिटेंट शिफ्ट टू द मार्केट। एक तरफ तो ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स मार्केट की रियलिटी थी, वहीं दूसरे तरफ collapse of socialism in Eastern Europe and the changes in China's economic policies were taking place at the same time. Hindustan mein balance of payment crisis ki evidence dikhai dene lagi thi. August 1990 mein Iraqi invasion of Kuwait se Bharat ke economy par bahut asar pada. Iska mool karan tha ki crude oil prices literally gone through the roof. Finally, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और यशवंत सिन्हा उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसी वक्त चंद्रशेखर जी के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन लोगों ने तब भारत की इकोनॉमी के बागडोर संभाली और ये तय हुआ कि भारत को गोल्ड प्लेज करना पड़ेगा, जो अपना रिजर्व्स था उसको प्लेज करना पड़ेगा और उसके बाद 400 मिलियन यूएस डॉलर्स उनको क्रेडिट में मिला। सो इन अ वे नरसिम्हा राव के पास रिफॉर्म्स करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अगर वो चाहते तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे उनको मिटिगेट या फिर कम कर सकते थे, आम जनता या फिर वर्किंग क्लास पर जो बर्डन पड़ा उसको कम कर सकते थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेगेटिव्स क्या थे? सबसे पहले तो हमारे देश के बेसिक वैल्यू सिस्टम में अल्टरेशन हुआ। कंज्यूमरिज्म और कॉम्पिटिटिवनेस सोसाइटी का नॉर्म बन गया। प्रोडक्ट्स और गैजेट्स खरीदने की रेस शुरू हो गई। नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। This remained not just an ad line for a television, but became part of our daily thinking. Health, education और बाकी सारे social sectors में जो allocations था उसमें कमी धीरे धीरे होने लगी और ये process अभी भी चल रहा है। इस void को हम सब ने बहुत
स्टार्कली फील किया है कोविड 19 पैंडेमिक के समय। पब्लिक हेल्थ सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ हमको दिखाई दिया है। जो बीमार होता है वो इलाज कराने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में परेशान हो जाता है और कई लोगों की तो मृत्यु हो गई सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर बगैर ट्रीटमेंट पाए। बाकी बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स को खर्च कर दिया हॉस्पिटल बिल चुकता करने के लिए। 1991 में नरसिम्हा राव के अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने कंस्ट्रेंट्स इम्पोज किए थे हमारे फेडरल फ्रेमवर्क पर, यानी कि स्टेट्स के फिस्कल पावर्स कम हुए थे। इससे कई सारी चीजों का इफेक्ट हुआ था जिनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी, इंक्लूडिंग इंक्रीज करप्शन एंड राइज ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ करप्शन हमें आज भी देखने को मिलता है। क्लियर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इज विजिबल इन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम बीइंग स्टेट कंट्रोल टू बीइंग मार्केट फ्रेंडली। समाज में डिस्पैरिटी बड़ी है, अमीर और गरीब में फासला बड़ा है, श्रमिकों का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है। अगर पुराने वर्क रिलेशनशिप अभी भी बरकरार होते तो लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद जो माइग्रेंट्स क्राइसिस हुआ वो हमको देखने को नहीं मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज और अब तो हमारे राष्ट्रीय लाइफलाइंस यानी कि इंडियन रेलवेज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये सब जो है नरसिम्हा राव के समय के डिसीशंस का ही फॉलआउट है। नो वंडर दैट दिस रेजिम चैंपियंस पीवी नरसिम्हा राव। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरसिम्हा राव को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में हमें याद करना चाहिए, लेकिन शायद भक्ति भाव से नहीं बट विद अ क्रिटिकल आई। नमस्कार।